अग्निपथ के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन, यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर किया जमकर प्रदर्शन। बिहार के भोजपुर जिले के आरा में छात्र जन अधिकार पार्टी के छात्रों ने केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना के विरोध में यूनिवर्सिटी के बाहर खूब बवाल काटा। इस दौरान छात्रों ने यूनिवर्सिटी के गेट पर चढ़कर खूब हंगामा किया और प्रदर्शन करते रहे। वहीं छात्र जन अधिकार परिषद के पटना से आए छात्र नेता आकाश यादव ने कहा कि हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी देते हैं, जब तक ये योजना वापस नहीं लिया जाएगा और जब तक गिरफ्तार छात्रों को रिहा नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। हमने आज आरा यूनिवर्सिटी को बंद किया है, आगे हम लोग पूरे बिहार के यूनिवर्सिटी को बंद करने का काम करेंगे। बंद किया गया अभी विश्वविद्यालय में, क्या कहेंगे? हम जन अधिकार छात्र परिषद की ओर से आए हैं। हमारे माननीय नेता पूर्व सांसद श्री पप्पू यादव जी के आह्वान पे हम सारे छात्र पटना से चल के बाबू वीर कुंवर सिंह जी यूनिवर्सिटी पहुँचे और यहाँ ताला बंद करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे देश में अराजकता फैली जा रही है। बीते दिनों मोदी जी नए नए स्कीम लाते जा रहे हैं जो कि छात्रों के हित में बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ हमें नौकरशाही और नौकर बनाना चाहते हैं, अंबानी अडानी के बच्चों का नौकर बनाना चाहते हैं। वो देश के युवाओं को सिर्फ और सिर्फ मारने का, बर्बाद करने का काम करेंगे। वो जो स्कीम लाए हैं चार साल के बाद बच्चा क्या करेगा? चार साल के बाद बच्चा क्या जाके गार्ड बनेगा? वो नौकर बनेगा? वो किसी का जूठा उठाएगा? किसी होटल में वो वेटर बनेगा? ऐसे ऐसे वक्ताओं ने, बीजेपी के बड़े बड़े वक्ताओं ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं। हम सारे छात्र जन अधिकार छात्र परिषद से ओर से पटना से चल के यहाँ पे इस विश्वविद्यालय को बंद करने का काम किए, और सिर्फ इस विश्वविद्यालय को नहीं, बिहार के अन्य जितने भी विश्वविद्यालय, हमने सभी को बंद करने का काम किया। जो नेता आंदोलन करेंगे उनको जेल भेजने की बात कही जा रही है, क्या कहेंगे? ये तानाशाही सरकार है ही, ये जेल भेजने का काम करेगी, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए हम छात्र हैं, हम जेल जाने से और मरने से नहीं डरते हैं। हम सच की लड़ाई लड़ते रहेंगे और ये आह्वान है, और ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक हमारी जीत नहीं होती है। पूरा नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम शांतनु शेखर, पटना विश्वविद्यालय छात्र। विश्वविद्यालय का तालाबंदी किए हैं जी, क्या कहेंगे? अग्निपथ योजना के वापस करने हेतु आज पूरे बिहार के तमाम विश्वविद्यालय में तालाबंदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया जन अधिकार छात्र परिषद की ओर से। उसी क्रम में आज हम लोग पटना से चलकर वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आए हैं यहाँ पर तालाबंदी करने के लिए, और हम लोगों ने शांतिपूर्वक तालाबंदी किया है अग्निपथ योजना वापस लेने हेतु। अच्छा, जो नेता हैं चाहे युवा हैं आंदोलन अग्निपथ को लेकर कर रहे हैं, उनको जेल भेजा जा रहा है। वही तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि फर्जी मुकदमे वापस लेना होगा। जिन छात्रों पर भी आपने फर्जी मुकदमा किया है, या तो वो आर्मी का दौड़ रहे थे, या तो फिर आपने उन लोगों को रात में जबरन उठाया है, तो आपने फर्जी मुकदमा क्यों किया छात्रों पर? छात्रों पर से फर्जी मुकदमा हटाना होगा। आपकी सबसे पहली हमारी मांग यही है कि छात्रों पर से फर्जी मुकदमा हटाना होगा, अग्निपथ योजना वापस लेना होगा। अभी आज आप भी आंदोलन कर रहे हैं जी, क्या कहेंगे? अगर कोई पुलिस आती है जी, अगर कोई आप पर भी ऐसी घटना घटती है तो क्या करेंगे? हम इन सब चीज़ों से कभी नहीं डरते हैं। हम लोग पप्पू यादव जी को मानने वाले हैं, उनके विचारधारा पर चलने वालों में से हैं। हम लोग जेल वेल से नहीं डरते हैं। हम लोग का सीधा सा शांतिपूर्वक मांग है कि हम लोग अग्निपथ योजना वापस करना होगा, छात्रों पर फर्जी मुकदमा वापस लेना होगा। जो फर्जी मुकदमों के तहत छात्रों को जेल भिजवाया गया है, उनसे उनको बरी कराना होगा, उन सारे मुकदमों को हटाना होगा। पूरा प्रणाम बता दीजिए जी। मेरा नाम आकाश यादव हुआ, प्रदेश कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जन अधिकार छात्र परिषद। अध्यक्ष माननीय पूर्व सांसद पप्पू यादव जी के आह्वान पर पूरे बिहार के सभी विश्वविद्यालय को अग्निपथ योजना को लेकर आज तालाबंदी किया गया है। उसी के तहत इस भोजपुर के बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती, कर्मभूमि, जन्मभूमि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय को भी आज बंद किया गया है। भ्रष्टाचार यहाँ बढ़ा हुआ है, देखिए भ्रष्टाचार की यह गंगोत्री बढ़ी हुई है। यहाँ पैसे पर नंबर बढ़ाया जाता है। यहाँ जो पीएचडी का प्री पीएचडी की परीक्षा होती है, वहाँ चेहरे देखकर रिजल्ट प्रकाशित की जाती है। यहाँ परीक्षा लेने पर 50% रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है। यह छात्र दौड़ते रहते हैं, उनकी रिजल्ट नहीं सुधरती है, वे बाद में पढ़ाई छोड़ देते हैं।
यह जब विश्वविद्यालय के यह नया वीसी साहब आए थे तो हमें ऐसा जगा था कि विश्वविद्यालय का माहौल जगेगा, छात्र पढ़ेंगे, लेकिन छात्र केवल परीक्षा देते हैं, फॉर्म भरते हैं, न प्रयोगशाला जानता है, नहीं क्लास जानता है, नहीं उस विषय के संकाय के हेड के नाम जानता। कारण क्या है? कारण क्या है? कारण क्या है? यह लचर व्यवस्था है, यह ट्रेन का टाइम देखता है, 12 बजे पदाधिकारी आते हैं, 3 बजे ट्रेन ढक के चले जाते हैं। इस विश्वविद्यालय में जब छात्र नेता आता है तो अनेक प्रकार को दिलाया जाता है, इसलिए लड़ाई अब की बार आर पार की। पूरा नाम बताइए। सुजीत कुशवाहा, जन अधिकार, छात्र परिषद, विश्वविद्यालय अध्यक्ष। भोजपुर न्यूज के लिए आरा से तारकेश्वर प्रसाद की रिपोर्ट। इस खबर को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और भोजपुर जिले के तमाम खबरों को सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से भोजपुर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।